हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज लंच में हम राजमा बनाने जा रहे हैं। इसको मॉर्निंग में ही हमने इसको बॉयल कर लिया था। और ये सब्जी मसाला है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी रखी हूँ, ये कड़ी पत्ता है, अजवाइन है, जीरा है और नमक स्वाद अनुसार है। और हम बनाना शुरू करते हैं। और तेल गर्म हो गया है और हम इसमें इसको डाल देते हैं। और हम ये जो मसाला पेस्ट बनाए थे प्याज टमाटर लहसुन का, इसको हम इसको ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे। पर हाँ, वैसे राजमा को बहुत लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं, पर हमारे घर में बच्चे और हमारे हस्बैंड को कुकर का अच्छा लगता है, तो कुकर में ही हम इसको बनाते हैं। और ये मसाला जो है इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। और ये नमक है, नमक अपना स्वाद अनुसार देख लीजिएगा, बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत लोग कम खाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करिए। और देखिए हमारा मसाला पकने लगा, बुलबुला ऊपर ऊपर दिख रहा है। और इसमें हम अब राजमा जो बॉयल किए उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने इसमें राजमा डाल दिया और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। और इसके बाद इसमें हम सीटी लगाएंगे और 4 सीटी के बाद ये पक जाएगा, उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा।